Good morning, my all lovely students of class first. I hope you all are fine. Students, हिंदी व्याकरण में हमने अभी तक चैप्टर थर्ड की स्टडी कर रहे थे. अब हम इसके अभ्यास कार्य की स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अभ्यास कार्य क, सही विकल्प का चयन कीजिए. इसमें हमको क्या करना है, जो विकल्प सही है उस पर राइट का टिक लगाना है और उसको यहाँ लिखना है. वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं. मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द. क्या बनते हैं, शब्द. वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द. तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, शब्द. तो हम शब्द पर राइट का टिक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे शब्द. सार्थक शब्द बनाते हैं. सार्थक शब्दों से मिलकर क्या बनता है, मैंने आपको बताया था कि शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं. क्या बनते हैं, वाक्य. जब शब्दों का मेल होता है और उसका कोई सार्थक अर्थ होता है तो उससे क्या बनता है, वाक्य. तो इसका में क्या होगा, सार्थक शब्द क्या बनाते हैं, वाक्य. तो हम वाक्य पर राइट का टिक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे वाक्य. ओके स्टूडेंट, अब है ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं. इसकी फोटो आपको सेंड कर दी जाएगी, उसे आपको नोटबुक में करना है और इन अभ्यास कार्य को भी आपको अपनी नोटबुक में करना है. अब है इनमें से शब्दों को छांटिए. इनमें आपको क्या करना है, जो शब्द हैं जिनका अर्थ है, शब्द कौन से होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है, तो जिनका इनमें शब्द हैं, जो शब्द हैं उनको छांटकर आपको लिखने हैं. जैसे हल. हल क्या है, हल जिससे खेत जोता जाता है, तो इसका क्या है, एक अर्थ है. तो हम इसको मैं यहाँ सर्किल कर दे रही हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. कतंग. कतंग कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है. लम्फा. लम्फा का भी कोई अर्थ नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं है. गाय. गाय, गाय एक अर्थ है. गाय क्या होती है, पशु होती है. गाय आप सभी ने देखी होगी, तो इसका क्या है, अर्थ है, इसलिए ये क्या है, एक शब्द है. ये भी मैंने सर्किल कर दिया है, इसको भी आपको अपनी नोटबुक में करना है. हाथी. हाथी भी क्या है, एक पशु होता है, तो इसका भी क्या है, एक अर्थ है, तो ये भी क्या है, एक शब्द. मेत. मेत कोई अर्थ नहीं होता, ये कोई शब्द नहीं होता. पंख. पंख होता है, पंख क्या होते हैं, पक्षियों के जो पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पंख. तो इसका क्या है, अर्थ है, इसलिए ये क्या है, शब्द है. ममन. ममन का कोई अर्थ नहीं होता. जग. जग जिसमें हम पानी भरते हैं, तो क्या है ये, इसका अर्थ है, इसलिए ये एक शब्द है. बिजली. बिजली लाइट, तो इसका भी एक अर्थ है, इसलिए ये भी एक शब्द है. अब घ, इन शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाकर लिखिए. ये जो शब्द दे रखे हैं ये एक सही क्रम में नहीं है, इनको हमें सही क्रम में लिखना है. जैसे हूँ रहा जा दिल आज दिल्ली में, इसका क्या कोई अर्थ है, नहीं है. इसको हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये सही क्रम हो गया. अब ये क्या बन गया, वाक्य. इसी तरह रहा है तैर मनोज तालाब में,
क्या ये सही है? नहीं, इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? मनोज तालाब में तैर रहा है। मनोज तालाब में तैर रहा है। अब इसका सही अर्थ निकल रहा है, ये क्या हो गया? वाक्य। अब जाएंगे हम सब में आज मेले, क्या ये सही है? नहीं है, इसे हम सही करके लिखेंगे। तो ये कैसे सही करके लिखेंगे? हम सब आज मेले में जाएंगे। हम सब आज मेले में जाएंगे। अब ये वाक्य बन गया। इसी तरह है देश का हमारे नाम भारत, ये भी क्या है? एक इनकरेक्ट पोजीशन में लिखे हुए हैं। अब हमें इन्हें करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। अब ये क्या हो गया? करेक्ट में। इसी तरह ड़, वर्णों को उचित क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। अब क्या है, ये जो वर्ण है ये इनकरेक्ट पोजीशन में लिखे हुए हैं। अब हमको इन वर्णों को करेक्ट पोजीशन में लिखना है जिससे कि इनका अर्थ बन सके। जैसे रघ, रघ का कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या बनेगा? घर। क्या बनेगा? घर। नमीज, नमीज का कोई अर्थ नहीं होता। इसे हम सही कर कर कैसे लिखेंगे? जमीन। क्या लिखेंगे? जमीन। मान आस, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसे हम ठीक करके क्या लिखेंगे? आसमान। आसमान। रेता, इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? तारे। रसक, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? सड़क। कीननम, ये क्या है? इसको हम सही करके क्या लिखेंगे? नमकीन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया? आपको ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक पर करना है। ओके, आपका ये चैप्टर यहीं एंड होता है।